मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ठेकुआ बनाने के एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 नए डिजाइंस, वो भी बिना ढांचे के। आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ हमने ठेकुआ का डो बनाकर तैयार कर लिया है, जिसकी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम बनाते हैं हमारा पहला डिजाइन, जो कि होगा एक पत्ता यानी कि लीफ। तो एक रोटी से थोड़ा कम और पूड़ी से थोड़ा ज्यादा इतना सा डो लेकर आप अपने हाथों में उसे चपटा कर ले और एक पत्ते का शेप दे दें और उसका स्टेम भी बना लें। जब आपको लगे कि आपका ये लीफ के शेप में आ गया है तो एक वुडन स्क्वायर की मदद से लीफ का डिजाइन भी अच्छे से बना दें। और पूरा डिजाइन बनाने के बाद अपने हाथों से एक बार इसे दोबारा से सेट कर ले, क्योंकि जब आप इसे प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा फैल जाता है। डिजाइन नंबर 2 बहुत ही आसान है। आटे के पोर्शन को चपटा करके राउंड बना ले और उसके बाद टूथपिक या वुडन स्क्वायर की मदद से इस तरह से दोनों तरफ लाइन बना ले। ये बहुत आसान डिजाइन है और इसमें समय भी कम लगता है। चलिए दोस्तों बनाते हैं डिजाइन नंबर 3। इसके लिए हम आटे को अंडाकार यानी कि ओवल शेप का बनाएंगे। तो जब आपको लगे कि आपने इसे अच्छे से आकार दे दिया है, तब एक वुडन स्क्वायर की मदद से इसके बीच में लाइंस बना ले। जैसा कि मैंने बताया कि लाइन बनाते टाइम ये थोड़ा सा फैल जाता है, तो इसे एक बार फिर से आप सेट कर ले और अच्छे से शेप दे दें। तो ये वाला डिजाइन बन गया। आइए दोस्तों बनाते हैं डिजाइन नंबर 4। डिजाइन नंबर 4 में हम आटे को चारों तरफ से काट लेंगे और इसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का बना लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप चाय छानने वाली छन्नी या कोई भी छन्नी ले और उसके बाद इसे प्रेस कर दे, जिससे कि इसके बीच में डॉट डॉट वाले डिजाइन आ जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये भी बहुत ईजी तरीका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन पे। डिजाइन नंबर 5 में भी हम ओवल शेप का ठेकुआ बनाएंगे। इसके ऊपर हम फोक से इस तरह से लाइन कर देंगे। आप अपनी मर्जी के लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने डायमंड शेप दिया है। चलिए बनाते हैं डिजाइन नंबर 6, जो कि बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप आटे की एक बॉल ले लें और उसके बाद ग्लास से उसे प्रेस कर दें। ग्लास के पीछे वाला डिजाइन आटे के बॉल पे छप जाएगा और आपका डिजाइनर ठेकुआ ढांचे के जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं अगले डिजाइन पे। अगला डिजाइन हम बनाएंगे चाकू की मदद से। आप अपनी मर्जी से ठेकुए को शेप दे दे, चाहे तो राउंड चाहे तो अंडाकार, और उसके बाद चाकू से इस तरह से लाइंस बना दें। तो ये बहुत ही आसान है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो हमारे 7 तरीके के ठेकुआ बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें तल लेते हैं। तलने के बाद भी इनका जो डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो मैं इसे आपको तल कर जल्दी से दिखाती हूँ। ठेकुआ का डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिस वीडियो में मैं आपको ठेकुआ की पूरी रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक बारीकी के साथ बताने वाली हूँ। तो हमारा लीफ वाला ठेकुआ तलकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सभी ठेकुआ तल गए हैं और इसके डिजाइन्स भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। तो इस छठ पूजा में अगर आपके पास ढांचा नहीं है या फिर ढांचा है तो भी एक जैसा डिजाइन बना के आप बोर हो चुके होंगे, तो ये अलग अलग डिजाइन के ठेकुआ बनाकर ट्राई करें। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया ठेकुआ बनाने के 7 अलग अलग प्रकार के डिजाइंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।